मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। शिवराज सिंह चौहान की जगह अब मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। क्या बीजेपी ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स भी हिला दी है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बीजेपी ने एक साथ कई राजनीतिक समीकरणों को साथ लिया है। खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे यादव बाहुल्य इलाकों में कई स्थानीय पार्टियों के समीकरण बीजेपी ने गड़बड़ा दिए हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम आने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल शॉट माना जाएगा, और खासतौर से तब जब जातीय जनगणना कराए जाने की मांग लगातार बढ़ रही है। हर दूसरे दिन इसे लेकर पक्ष या विपक्ष में से किसी नेता के बयान आ जाते हैं। बिहार में जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू भी कर दी गई है। ऐसे माहौल में एक बार फिर से पिछड़े समुदाय के मुख्यमंत्री को रिप्लेस कर पिछड़े समुदाय से ही यादव जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने नए मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर दी है, यानी कि मोहन यादव के नाम का ऐलान हो चुका है, और इसके जरिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में नीतीश और लालू यादव को बड़ा संदेश भी बीजेपी ने दे दिया है। सियासी जानकार मानते हैं कि मोहन यादव के नाम से भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा सियासी दांव है। अब मध्य प्रदेश में भी पिछड़ों की आबादी में यादवों की संख्या की बहुतायत है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार के सियासी समीकरणों के नजरिए से समझें तो यादव समुदाय मजबूत और प्रभावशाली माना जाता है। इस हालात में मोहन यादव के नाम से उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में भाजपा ने एक बड़ी सेंधमारी करने की कोशिश की है, और काफी हद तक लग रहा है इसमें बीजेपी कामयाब भी रही है। साफ बात यह कि मोहन यादव मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के रहेंगे, लेकिन जो सियासी संदेश जातीय समीकरणों के आधार पर बीजेपी सब तक पहुंचाना चाहती थी वो पहुंचा चुकी है। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन जितना मध्य प्रदेश के लिए खास था उससे कहीं ज्यादा बाकी राज्यों और लोकसभा चुनाव के नजरिए से खास था, और इसमें बीजेपी लगभग पास हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के लिए ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के बीच, खासतौर से ओबीसी वर्ग के बीच एक बड़ी उम्मीद जगा दी है, क्योंकि 2024 काफी नजदीक है। लोकसभा चुनाव में यह संदेश स्पष्ट रूप से जनता के बीच जाएगा कि बीजेपी ने एक यादव समुदाय के व्यक्ति को सम्मानजनक पद पर पहुंचाया है, मुख्यमंत्री बनाया है। वैसे इससे पहले भी मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर सीएम रह चुके हैं, जो कि यादव जाति से ही आते थे, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव और लालू यादव उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अलग अलग राज्यों में यादवों पर अपना आधिपत्य मानते थे, वो नैरेटिव अब इस पद के ऐलान के साथ काफी हद तक टूटता नजर आएगा, और निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिलेगा। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग पर एक बड़ा दांव खेलकर और उसमें भी यादव जाति के सीएम को चुनकर ये साफ संदेश दे दिया है कि राजनीति के इस खेल में वो गेंद को अपने ही पाले में रखना चाहती है। अब इस पर विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और क्या इसका प्रभाव पड़ता है 2024 के इलेक्शन पर वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।